हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जीके में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कंप्यूटर विज्ञान। फ्रेंड्स, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और स्क्रीन पे जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इसलिए आप लोग वीडियो को रोक करके सारे क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा कंप्यूटर विज्ञान पर आधारित पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो ये है, कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। अब यहाँ भी देखिए, अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों ये पूछ ले कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा संगणक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब यहाँ भी ये बताइए, प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि कंप्यूटर कैसा मशीन है, कंप्यूटर कैसा मशीन है, तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका डिफिनेशन भी तो यही है, अ कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। दैट्स क्लियर। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा, चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस एबाकस था। अब अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों कि सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा, एबाकस। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एबाकस यंत्र का प्रयोग चीनियों ने किया था। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार प्रश्न बने, एबाकस यंत्र का प्रयोग किसने किया था, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, चीनियों ने किया था। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर एनिएक है। अगर प्रतियोगी परीक्षा में दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो दोस्तों एनिएक है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों, एनिएक है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। अगर आपसे दोस्तों इस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, कंप्यूटर सिद्धार्थ। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप्स सिलिकॉन का बना होता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप्स सिलिकॉन का बना होता है। अब यहीं में घुमा के अगर क्वेश्चन इस प्रकार बना दिया जाए, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप्स किसका बना होता है दोस्तों, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, सिलिकॉन का। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सिलिकॉन वैली बंगलोर में है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहीं पे अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूँ कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दैट्स क्लियर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, WWW का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। WWW का जो पूर्ण रूप है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रोग्रामन हेतु विकसित प्रथम भाषा फोर्ट्रॉन है। प्रोग्रामन हेतु विकसित प्रथम भाषा जो है हमारा क्या है दोस्तों, फोर्ट्रॉन है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, DOS का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फाइल
फाइल रिकॉर्ड्स का संग्रह होता है, फाइल रिकॉर्ड्स का संग्रह होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर का आधार बाइनरी संख्या पद्धति यानी कि 01 संख्या से आधारित है। अगर प्रतियोगी परीक्षा में दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंप्यूटर का आधार किस संख्या पद्धति पर आधारित है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कंप्यूटर का आधार बाइनरी संख्या पद्धति पर आधारित है और इसमें केवल 0 और 1 ही संख्या रहती है और कोई संख्या नहीं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, 1 byte 8 bits के बराबर होता है, 1 byte 8 bits के बराबर होता है। अब प्रतियोगी परीक्षा में दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन पूछ ले कि 1 byte कितने बिट्स के बराबर होता है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा, 1 byte 8 bits के बराबर होता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kilobyte, यहाँ देखिए KB, KB का मतलब होता है किलोबाइट, तो 1 kilobyte बराबर होता है 1024 byte। अब यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे तो KB दिया है, तो एक्स्ट्रा आप लोग इसको नोट कर लीजिए, KB का अर्थ होता है किलोबाइट, तो 1 kilobyte बराबर होता है 1024 byte के बराबर। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, RAM जिसको हम लोग बोलते हैं RAM, RAM का पूर्ण रूप क्या होता है, तो RAM का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM का पूर्ण रूप क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहीं पे एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा और बता दे रहा हूँ, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ROM यानी कि रोम, रोम का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोलोग पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोलोग पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जॉन नेपियर ने 1614 ईस्वी में लघु गणक का आविष्कार किया था। अच्छा, किसने 1614 ईस्वी में लघु गणक का आविष्कार किया था, जॉन नेपियर ने। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई थी, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, 1946 में हुई थी, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुआ था। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2000 में कंप्यूटर क्षेत्र में आने वाली समस्या का नाम Y2K था, सन 2000 में कंप्यूटर क्षेत्र में आने वाली जो समस्या, जो प्रॉब्लम था, वो था Y2K। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 से आई। अगर प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछ ले कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा, 1960 में। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय हैदराबाद में है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में है। दैट्स क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम है, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परम सुपर कंप्यूटर का विकास CDAC यानी कि पुणे द्वारा किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रैम की गणना मेगाबाइट से होती है, रैम की गणना किससे होती है, मेगाबाइट से होती है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 101 की बोर्ड वाला कंप्यूटर अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा अगर पूछ लिया जाए कौन सा बोर्ड कंप्यूटर अच्छा माना जाता है, कौन सी बोर्ड वाला कंप्यूटर अच्छा माना जाता है, तो जिसमें 101 की बोर्ड होता है ना, वो कंप्यूटर अच्छा माना जाता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का क्या है दोस्तों, प्रोग्राम है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस रूप में मनाया जाता है। अगर प्रतियोगी परीक्षा में दोस्तों ये पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर। अगर इस प्रकार पूछ ले कि 2 दिसंबर
को 2 दिसंबर के रूप में क्या मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां विकसित की गई थी, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित की गई थी दोस्तों, 5 पीढ़ियां विकसित की गया था, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 MB बराबर कितने KB का होता है। यहाँ सबसे पहले मैंने बोला था कि KB बराबर किलोबाइट, MB का अर्थ भी नोट कर लीजिए, मेगाबाइट होता है। तो इसको हम इस प्रकार पढ़ेंगे, 1 MB 1024 KB के बराबर होता है, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है 1 GB, GB का मतलब होता है गीगाबाइट, तो 1 GB बराबर 1024 MB के बराबर होता है, क्लियर। यहाँ देखिए KB किलोबाइट, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, इसको आप लोग अलग से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहा जाता है, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहा जाता है, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CPU का कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है दोस्तों, CPU को कहा जाता है, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और मैंने पहले से बता दिया CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इसको आप लोग रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CAD का तात्पर्य कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, CAD का जो CAD का तात्पर्य क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है, ई व्यापार का अर्थ इंटरनेट पर व्यापार है, ई व्यापार का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट पर व्यापार है, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का मुख्य पटल कीबोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3.25 के फ्लॉपी में 1.44 MB आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं, 3.25 के फ्लॉपी में कितना आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं, 1.44 MB मेगाबाइट आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है, IBM का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, इंटरनेशनल IBM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हार्ड डिस्क की गति 3600 चक्र प्रति मिनट होता है, हार्ड डिस्क की गति 3600 चक्र प्रति मिनट होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा यानी कि कर्सर कहलाती है। यहाँ देखिए हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा यानी कि कर्सर कहलाती है, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया यानी कि शट डाउन कहलाता है, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है दोस्तों, शट डाउन कहलाता है, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया बूटअप कहलाता है, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन और कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया बूटअप कहलाता है, इसको आप लोग अच्छे प्रकार से अपने माइंड में बैठा लीजिए, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मॉनिटर को वीडियो कहा जाता है, मॉनिटर को वीडियो कहा जाता है। अब देखिए स्क्रीन तो दिख रहा है कि मॉनिटर को वीडियो कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे नोट करिए कि वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, सब कुछ जो है बुक में अवेलेबल नहीं हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जो भी एक्स्ट्रा बोला जाए, अगर मैं जो भी एक्स्ट्रा बोलूँ तो उसको आप लोग नोट करते जाइए, मॉनिटर को वीडियो कहा जाता है। अब यहाँ देखिए वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, दैट्स क्लियर, वीडियो का क्या होगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ ले इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार के कौन सा डिवाइस होता है, तो वीडियो होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाए दोस्तों फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, तो फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, MCIR का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, MCIR का शाब्दिक अर्थ यानी कि फुल फॉर्म होता है दोस्तों, मैग्नेटिक करेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका
बैकअप प्लान होता है। डाटा को सुरक्षित रखने का जो तरीका है वो क्या है दोस्तों, बैकअप प्लान होता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन, एमएस वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन डॉस होता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में कम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछ लिया जाए दोस्तों HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे देखिए HTML, HTML का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फैट, फैट का अर्थ है फाइल एलोकेशन टेबल, फैट का अर्थ है फाइल एलोकेशन टेबल। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्कशीट पर अधिकतम 224 कॉलम्स तथा 225 रोज होता है। वर्कशीट पर अधिकतम 224 कॉलम्स तथा 225 रोज होता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है NOT, गेट इनपुट को पूर्ण करता है, नॉट गेट इनपुट को पूर्ण करता है। नेक्स्ट है मैन, मैन का पूर्ण रूप मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क है, मैन का पूर्ण रूप मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इंटरनेट, इंटरनेट पर भेजे जाने वाला संदेश ईमेल कहलाता है, इंटरनेट पर भेजे जाने वाला संदेश क्या कहलाता है, ईमेल कहलाता है। दैट्स क्लियर दोस्तों। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है, कंप्यूटर का जो मुख्य पृष्ठ होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, डेस्कटॉप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जॉयस्टिक का प्रयोग गेम खेलने में किया जाता है, जॉयस्टिक का प्रयोग किस में किया जाता है, गेम खेलने में किया जाता है। नेक्स्ट है ALU का पूर्ण रूप, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, ALU का पूर्ण रूप अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन तथा जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हार्ड डिस्क की गति RPM में मापी जाती है, हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है, RPM में मापी जाती है, RPM में मापी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, DOS यानी DOS और विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, DOS और विंडोज एक प्रकार का कैसा सिस्टम है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई थी, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, 1995 में हुई थी। दैट्स क्लियर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर Cray 1S 1978 में बना था। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं, पहले ही मैंने बता दिया WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, WWW का वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके आविष्कारक कौन है, टिम बर्नर्स-ली ने। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बैंगलोर के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर राज रेड्डी हैं। कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, डॉक्टर राज रेड्डी थे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड स्टार में प्रति लाइन 65 अक्षर प्रदर्शित होता है, वर्ल्ड स्टार में प्रति लाइन कितने अक्षर प्रदर्शित होते हैं दोस्तों, 65। क्लियर है, 65 वर्ड्स यानी कि 65 अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, 1946 में हुई। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा 1984 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
वाई टू के समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा है दोस्तों? जाम्बिया है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी भारत की एक ऐसी पहली पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। ऐसा कौन सा पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी पहले वेबसाइट बनाए थे? भारतीय जनता पार्टी। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1960 से कंप्यूटर के क्षेत्र में व्यापक क्रांति आई। अच्छा, कंप्यूटर के क्षेत्र में व्यापक क्रांति कब से आई दोस्तों? 1960 में। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की जो विधि होती है डिजिटलाइजेशन कहलाता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ASCII में एक कैरेक्टर 8 बाइट्स के बराबर होता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। दोस्तों नेक्स्ट है, नॉर्टन एक एंटीवायरस टूल है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों, WWW का आविष्कार 1989 से 90 में हुआ था। WWW का आविष्कार किसके बीच में हुआ था दोस्तों? 1989 से 1990 में हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब एक इंटरनेट सर्विस है। वर्ल्ड वाइड वेब कैसा सर्विस है? इंटरनेट सर्विस है। नेक्स्ट है दोस्तों, CD-ROM का शाब्दिक अर्थ कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। CD-ROM का फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी का साइज 3.25 तथा 5.25 होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है दोस्तों? इंटरनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया लॉग आउट कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, LAN का पूर्ण रूप लोकल एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, WAN का पूर्ण रूप वाइड एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? T3 होता है। दैट्स क्लियर।